सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज विजय कुमार इन माई न्यू क्लासरूम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई न्यू क्लासरूम। दिस इज माई एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश टीचिंग चैनल वेयर वी स्टडी इंग्लिश। आई हैव गिवन यू सो मैनी वीडियोज ऑन योर लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। दिस डे वी आर वर्किंग ऑन प्रेपोजिशंस एंड ऑन वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। आई हैव गिवन यू 4 वीडियोज, ये आप जरूर देख लेना, बट स्टिल यू आर आस्किंग टू मेक अ वीडियो ऑन यूज ऑफ प्रेपोजिशंस ऑन एंड अपॉन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाकई कन्फ्यूजिंग होता है। आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। यूज ऑफ ऑन। ऑन संडे आई एम ऑन लीव। ऑन 1st मे। ऑन न्यू ईयर्स ईव। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त 1947। हमेशा इन द मॉर्निंग नहीं होता, ऑन द मॉर्निंग भी होता है जब आप हिस्टोरिकली किसी घटना को याद करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त 1947। यस, टू इंडिकेट स्पेसिफाइड डे वी यूज ऑन। टू इंडिकेट स्पेसिफाइड डेट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त 1947, इंक्लूडिंग स्पेशल डेज भी जो है, ये हमारे लिए स्पेशल डेज हैं, तो वहाँ ऑन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप एक और, टू इंडिकेट द अपॉइंटेड टाइम, नाइदर बिफोर नोर आफ्टर। ऑन देखिए आप, ऑन टाइम, प्रदीप रीच्ड द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। क्या आपको एग्जाम सेंटर में ऑन टाइम जाना चाहिए? नो, यू शुड रीच, यू शुड रिपोर्ट इन टाइम। बिल्कुल अपॉइंटेड टाइम पे थोड़ी जाओगे, आपको आधा घंटा पहले बुलाया जाता है। इंस्ट्रक्शन पढ़िए आप, यू शुड रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम, तो यहां पर ऑन टाइम आएगा क्योंकि प्रदीप पूरे समय पर पहुंचा। नाइदर बिफोर नोर आफ्टर। और ऑन कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। मैरी कॉम बॉक्सर है, मैरी हिट द अपोनेंट ऑन द जा, जबड़े पे मारा उसने। टू इंडिकेट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। और ऑन कहाँ यूज होता है? टू शो ए पोजिशन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। बेबी इज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। यस, या इन द सेंस अबाउट भी होता है, आई रॉट ए बुक ऑन योगा, तो यहाँ भी ऑन यूज होता है। ये ऑन के यूज थे। अब मैं आपको बताता हूँ जो कन्फ्यूजन आपको होता है। द हंग्री टाइगर पाउंस्ड अपॉन द गॉट। यस, टाइगर ने गॉट के ऊपर छलांग लगाई। अब देखिए आप, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, अपॉन आएगा। क्यों? बिकॉज टू शो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट कम्स टू अ प्लेस। अपॉन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाई अ वर्ब। यहाँ पर देखिए पाउंस्ड है, पाउंस के साथ अपॉन आया है, इंडिकेटिंग अ बॉडी इन एक्शन। अगर वर्ब ऐसी है जो इंडिकेट करती है बॉडी इन एक्शन, तो वहाँ पर अपॉन आएगा। द कैट सैट ऑन अ चेयर। देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, कैट सैट ऑन अ चेयर, यहाँ पर ऑन आएगा। सैट है, बॉडी जो है मोशन में नहीं है, लेकिन जो टाइगर पाउंस कर रहा है वो गॉट के ऊपर कर रहा है। अपॉन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाई अ वर्ब इंडिकेटिंग अ बॉडी इन मोशन, पाउंस, दैट्स वाई अपॉन इज यूज्ड। या द कैट जंप्ड अपॉन द चेयर, बिल्ली ने कुर्सी के ऊपर छलांग लगाई। जंप्ड जो है आप देख रहे हैं, पाउंस्ड, जंप्ड, ये क्या दिखा रहे हैं? दीज आर द इंडिकेटर्स दैट बॉडी इज इन मोशन, हेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑन वी यूज अपॉन हियर। ठीक है, क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन? सो स्टूडेंट, इट शुड बी इनफ इन क्लियरिंग द डाउट्स, ऑल योर कन्फ्यूजन अबाउट यूजेज ऑफ prepositions on and upon. And should you have still any problem, feel free to ask me by going to comment section below. मैं लेकर आने वाला हूँ जल्दी ही एक और वीडियो जो आपने डिमांड किया है, use of beside और besides पर।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. थैंक यू. लव योर लाइफ. लिव योर लाइफ.